जी अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों कैसे हैं? ठीक हैं। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मलिक यासीन सराकी ऑफिशियल और मैं हूँ मलिक यासीन। तो आज की हम वीडियो जो बनाने वाले हैं वो ख़ास है, वो है स्नैक वीडियो के मुतालिक। और स्नैक वीडियो के ऊपर हम स्नैक कैमरा के अलावा कैसे वीडियो डाल सकते हैं और उसकी कैसे एडिटिंग कर सकते हैं और कैसे मुनासिब तरीके से अपलोड कर सकते हैं वो आप प्रूफ के साथ दिखाते हैं। वीडियो को पूरी देखना और प्रूफ देखने के लिए या स्नैक कैसे पैसे देती है क्रिएटर रिवार्ड से और क्रिएटर रिवार्ड में वीडियो कैसे जाती है, ये सारा तरीका कार देखने के लिए वीडियो पूरी देखनी है। और इससे पहले तो हम दोस्तों को गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर दें, साथ में नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दें ताकि न्यू हारा आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए और नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दें, शुक्रिया। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, तो मैं थोड़ा आपको प्रूफ दिखा दूँ। जो आप सामने देख रहे हैं बड़ी तस्वीर, इधर भी मैं हूँ और यहाँ पे छोटे मोबाइल के अंदर भी मैं हूँ। ये आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, आप देख रहे हैं दोनों साइड पे मैं नज़र आ रहा हूँ, सही है। ये मेरा ही चेहरा आ रहा है आपको नज़र, ठीक हो गया। यहाँ से थोड़ा बैक जाते हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जाते हैं अभी अपनी स्नैक वीडियो के ऊपर, ठीक है। वॉल्यूम मैं स्लो कर लेता हूँ, यहाँ से अपने प्रोफाइल के ऊपर जाते हैं। और तमाम दोस्तों को कुछ बताना ये भी ज़रूरी समझता हूँ कि जो मुझे नहीं जानते, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्नैक के ऊपर काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ और मेरी अपनी एक फैमिली भी है और दो तीन आईडीज मेरी अपनी हैं स्नैक के ऊपर। एक आईडी जो आप देख रहे हैं मलिक यासीन के नाम से, इसके ऊपर प्रोफाइल आप देख सकते हैं, पिक्चर कौन सी लगी हुई है, ठीक है। नीचे ये मेरी फैमिली का नाम लिखा हुआ है, जहाँ पर मलिक यासीन सराकी लिखा हुआ है, 494/500 मेम्बर है, ठीक है। ये इसमें भी इस आईडी के अंदर भी मेरी अपनी वीडियोज़ हैं, ठीक है। दूसरी आईडी भी आपको दिखाता हूँ और जिसमें मेरी वीडियो क्रिएटर रिवार्ड में चली हुई है, इसमें क्रिएटर रिवार्ड ऑप्शन मौजूद है मेरे को यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है। और किसी दोस्त को यहाँ पे ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है तो वो सिक्कों के ऊपर चला जाइए, जो सिक्के नीचे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सिक्कों के ऊपर चला जाए, यहाँ पर ये क्रिएटर रिवार्ड का ऑप्शन नीचे आ रहा है, ठीक है, ये नीले कलर वाला, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ से आप अप्लाई टू ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब क्योंकि आप मैंने काफ़ी टाइम से इसको नहीं चलाया, ये बंद पड़ा हुआ है मेरा अकाउंट, तो मैं यहाँ से क्रिएटर रिवार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया, मैं यहाँ से ज़्यादा इसको इस्तेमाल करता हूँ। ये खाली थोड़ा काम के लिए, आप ज़रूरी काम के लिए कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ। आप देख रहे हैं ये 11 दिन से मैंने इस अकाउंट को मर्क किया भी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा ओरिजिनल अकाउंट है जिसके ऊपर मैं एडमिन हूँ वो आपको दिखाता हूँ। तो उसके ऊपर अकाउंट पर चलते हैं और वीडियो भी अपलोड करते हैं उसी अकाउंट से और क्रिएटर रिवार्ड में आपको दिखाते भी हैं कौन कौन से वीडियो जा सकती हैं और कैसे जा सकती हैं, ठीक है। वीडियो को पूरी देखना, क्या है आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, मैंने यहाँ पे काफ़ी वीडियो ड्यूट की हुई है। ड्यूट क्यों की हुई है कि आपको दिखाने के लिए और स्नैक से पैसे लेने के लिए, क्योंकि स्नैक ने अभी क्रिएटर रिवार्ड ओपन कर दिया है और वो ड्यूट वाली वीडियो के ऊपर भी पैसे दे रही है, ठीक है। तो ये वीडियो आपके सामने, यहाँ से मेरी एक वीडियो ड्यूट, सॉरी, यहाँ से मेरी एक वीडियो क्रिएटर रिवार्ड में पहुँच चुकी है, तो वो आपको दिखाता हूँ और उसके ऊपर पैसे भी आए हुए हैं। तो इसलिए आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, आप कोई भी वीडियो देखते हो ना, प्ले करते हो स्नैक के ऊपर, तो उसको साथ ड्यूट कर लिया करें, इंशाल्लाह आपकी वीडियो अगर क्वालिटी अच्छी हो उसके साथ जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से अपलोड करते हैं, ज़रूर जाएगी क्रिएटर रिवार्ड में और आपको पैसे मिलेंगे। तो इसके लिए चलते हैं क्रिएटर रिवार्ड में और वीडियो अपलोड करते हैं, या पहले आपको प्रूफ दिखाते हैं बाद में वीडियो अपलोड करेंगे। हम पहुँच चुके हैं क्रिएटर रिवार्ड में, ये देखो अभी मेरी एक वीडियो क्रिएटर रिवार्ड में गई है, वो अभी 13 पैसे 13 पैसे 13 पैसे आए हुए हैं। और वीडियो के ऊपर आप लाइक्स देख सकते, व्यूज़ देख सकते हो, 3736 व्यूज़ टोटल हैं और इसके ऊपर लाइक्स भी आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लाइक्स 139 लाइक हैं, ये क्रिएटर रिवार्ड में गई हुई है। बहुत से लोगों की वीडियो बहुत ऊपर जाती हैं, लाखों में हज़ारों व्यूज़ में जाती हैं, लाइक्स में जाती हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर वो नहीं आते, क्रिएटर रिवार्ड में नहीं जाते, क्योंकि आप कुछ ना कुछ चीज़ मिस कर जाते हैं जो अभी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ,
वो चीज़ आपने तवज्जो से देखनी है, इस तरह वीडियो अपलोड करें इंशाल्लाह आपकी ज़रूर वीडियो रिटायरमेंट में जाएगी। देखो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ खाली, इस वीडियो में देख सकते हैं आप, लेकिन वो इंटरव्यू ले रहा है, सारा कुछ कर रहा है, मैंने खाली ट्यूट कर दिया और मेरी वीडियो क्रिएटर वार्ड में। ठीक है, थोड़ा बैक करते हैं यहाँ से स्टॉप कर जी दोस्तों। यहाँ से अभी हम कोई वीडियो सेलेक्ट करते हैं अपनी, ठीक है, अपलोड करने के लिए। हम अभी इस टाइम पहुँच चुके हैं, ये देखो सामने मेरा कैमरा मैन बैठा हुआ है, तो कैमरा मैन ओपन कर दिया। लेकिन अभी हम यहाँ पे जाएंगे अपनी गैलरी के अंदर, यहाँ से कोई भी वीडियो सेलेक्ट करनी है, डाउनलोड शुदा हो या अपनी, वैसे हम कैमरा से बनाते हैं लेकिन उसको एडिट करके डालना चाहते हैं, अच्छी सी बना के डालना चाहते हैं, तो यहाँ से कोई भी हम वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मेरी एक पुरानी वीडियो पड़ी है ईद के दौरान, मतलब ईद के ऊपर मैंने बनाई थी, तो हम मैं वहाँ यहाँ से उसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एडिट करता हूँ थोड़ा सा इसको, तो यहाँ पे इसकी आवाज़ भी थोड़ा ओपन करके दिखाता हूँ, ये भी आवाज़ मेरी है लेकिन आवाज़ अभी आपको नहीं आ रही, खाली मैं अभी सेट कर रहा हूँ कैमरा। तो फाइनली हम कुर्बानी करके, ये आवाज़ मेरी आ रही है आपको, ठीक है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करेंगे, बैक करके इसकी सेटिंग वगैरह कर लें, लेफ्ट पे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको कट कर देते हैं क्योंकि कलेक्ट थोड़ा बड़ा है, इसके ऊपर एक मिनट की वीडियो आ सकती है। जी दोस्तों, यहाँ पे हम वीडियो को एडजस्ट कर लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे आप म्यूज़िक भी सेट कर सकते हैं डाउनलोड करके, यहाँ से डाउनलोड करेंगे ना, यहाँ पे एक मिनट थोड़ा वेट कीजिएगा। ठीक है, इसको कट नहीं करना, ये आप खुद बखुद डाउनलोड इसको भी दोबारा करते हैं। यहाँ आपकी गैलरी के अंदर जो म्यूज़िक पड़ा होगा वो आप लगा सकते हैं कोई भी, मैं तो इसके ऊपर नहीं लगाऊंगा, खाली आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड मतलब एक रिकमेंडेड जो स्नैक के ऊपर अपना साउंड है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, पीछे साउंड और भी है वो कर सकते हैं, और फेवरेट जो आपने किए हुए हैं, आपने पसंद किए हुए हैं पहले गैलरी में सेव किए हुए हैं, अब वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ से थोड़ा बैक जाता हूँ, और आपने म्यूज़िक भी लगा लिया, अभी क्या काम रहता है फ़िल्टर का। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपकी वीडियो थोड़ा धुंधली है, इसके ऊपर आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, कोई सा फ़िल्टर यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे। तो मुझे यहाँ पे कौन सा पहला दूसरे नंबर पर सही लग रहा है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके कर लिया, और नेक्स्ट हम जाते हैं कवर पेज के ऊपर। पहले कवर पेज का ऑप्शन ऊपर होता था, अभी कवर पेज का ऑप्शन नीचे है। यहाँ से आप कोई स्टिकर भी लगा सकते हैं, आप मेंशन करना चाहते हैं कोई भी। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं अच्छा सा वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ से मैंने कोई स्टिकर सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे अपनी वीडियो और इसमें मज़ीद में ज़्यादा एडिट नहीं करना चाहता, तो नीचे आ जाएगा। ज़रूरी बात जो है सबसे, ये कवर पेज ये आपने लाजमी लगाना है, और स्नैक भी इस चीज़ का बहुत कह रहा है भाई ये चीज़ आपने लाजमी लगानी है। तो इसमें आप आ जाएंगे कवर पेज के ऊपर, कोई भी मतलब यहाँ से ये सेलेक्ट कर लें जो मैं आपको घुमा के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये सेलेक्ट करूँगा येलो वाला, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ब्यूटीफुल ग्रीनरी। हम इसको एडिट कर रहे हैं, ब्यूटीफुल ग्रीनरी लिख देते हैं, ठीक हो गया। इसको हम एडजस्ट ऊपर नीचे भी लेके जा सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे मतलब मैं इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, कवर के साथ आप नीचे ये इसको जगह भी ढूंढ सकते हैं भाई कौन सी जगह पे लगाना है। ठीक है, ये नीचे मैं आपको घुमा के दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दी, ओके कर देता हूँ। इसके बाद आपने जाना है ऊपर टाइटल के ऊपर, सही है, ये टाइटल लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप क्योंकि मैंने ग्रीन ब्यूटीफुल ग्रीनरी दिया था कवर पेज में, और यहाँ पे भी वही लिखूँगा क्योंकि ये मेरा ब्यूटीफुल ग्रीनरी है, मतलब सर सब सब खेत में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ओके करूँगा। ठीक हो गया, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ जहाँ पे मेरी मर्जी है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, वो मैंने कवर पेज नीचे लगाया था, तो इसको थोड़ा ऊपर करके एडजस्ट कर लेता हूँ, ओके कर दिया मैंने यहाँ पे।
तो नेक्स्ट टर्म इसको यहाँ से अभी नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ज़रूरी बात यह है कि जो चीज़ हमने वीडियो के अंदर लिखी है, टाइटल के अंदर, कवर पेज के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वो लिखनी है कि हम वीडियो में क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, ये एक्टिंग कर रहे हैं क्या है। तो हम ग्रीनरी दिखा रहे हैं तो हम यहाँ पे वही फिर ग्रीनरी लिख देते हैं, ठीक हो गया। फिर इसके बाद आ जाएगा हैशटैग, ये सबसे ज़रूरी बात है। हैशटैग के अंदर ये चीज़ आपने याद रखनी है कि स्पेस नहीं देना कभी, और हम एक हैशटैग अपने इसका देंगे जो हमने वीडियो के अंदर दिखाया हुआ है। अगर आप हैशटैग नहीं लगाएंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है सारा मेहनत करने का, काम करने का, ठीक हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद एक हैशटैग मैं अपने नाम का लगा लूँगा या अपनी फैमिली का लगा लूँगा, आपने अपनी फैमिली का लाजमी लगाना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मतलब यासिन अपनी फैमिली का, मतलब यासिन सरेकी, ठीक हो गया। हैशटैग मेरे नीचे आए हुए मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ, ठीक हो गया। इसके बाद मज़ीद आप कोई से अभी अच्छा और नीचे जो मशहूर मशहूर हैशटैग आए हुए हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम अभी आप 5 हैशटैग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हैशटैग हमने लगा लिए, हैशटैग के बाद हमने फ्रेंड्स सेलेक्ट कर लेने हैं कोई से भी, मतलब जो आपके, मैं तो इनको पहले मतलब हर वीडियो में से लगाता हूँ तो इसलिए ये मेरे सेलेक्ट हुए पड़े हैं नीचे, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से फ्रेंड्स को डन कर देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स के बाद सबसे और अहम ज़रूरी बात ये भी एक है कि आपने लोकेशन ऑन करके रखनी है, ठीक है। आपने ऑन करके रखनी है या आपने सेलेक्ट कर लेनी है कोई भी है। तो यहाँ से मैं हैदराबाद में बैठा हूँ तो हैदराबाद सिटी में सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद प्राइवेसी पब्लिक सेट, आप इसको पब्लिक के ऊपर रखना है। अलाउड टू अदर ड्यूट, आपने ड्यूट के लिए भी छोड़ देना है, भाई लोग इसके साथ ड्यूट करें कोई मसला नहीं है। तो ऑलरेडी ये वीडियो मेरी गैलरी में मौजूद है तो मैं इसको गैलरी में सेव नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पे मैं सेलेक्ट करना चाहूँगा अभी मैं वीडियो कहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। आपने कोई ना कोई एक चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है इसमें से, तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आपने भी इस तरह कर लेना है, कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है। तो नेक्स्ट आपने चला जाना है शेयर के ऑप्शन पर। लो जी, वीडियो हमारी पहुँच गई इसके ऊपर, स्नैप के ऊपर शेयर हो चुकी है। थोड़ा इंतज़ार करेंगे, वीडियो जब पूरी शेयर हो जाएगी तो हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी शेयर करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ पे भी हमने शेयर कर देनी है। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, नेटवर्क मेरे घर में थोड़ा स्लो है, ऑप्शन खुद ब खुद आ जाएगा। तो शाम ये इतना मिलती है। हाँ जी दोस्तों, ये देखो अभी वीडियो मेरी शेयर हो गई, वहाँ से मतलब अपलोड पूरी हो गई। यहाँ पे डायरेक्ट मुझे शेयर का ऑप्शन दे रहा है भाई, आपने जो ऑटोमेटिक का ऑप्शन दिया था ना इंस्टाग्राम के ऊपर, यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ ऊपर राइट साइड पे, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर सेटिंग का ऑप्शन दे रहा है, आप मज़ीद इसमें अगर कुछ करना चाहें तो कर दें, वरना मैं तो नेक्स्ट ही कर दूँगा यहाँ से। इसको नेक्स्ट करके टाइटल फिर मैं दे सकता हूँ कुछ भी, मतलब लोकेशन वगैरह इसमें इतना ज़रूरत नहीं है इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर आप मज़ीद सेटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर मैं इसको बस खाली सादा शेयर कर देता हूँ, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ना इसलिए। जी दोस्तों, वीडियो हमारी यहाँ से पोस्ट हो रही है इंस्टाग्राम के ऊपर, तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है इस तरह वीडियो अपलोड करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और आपकी वीडियो क्रिएटर रिवार्ड में जाएंगी और ज़रूर जाएंगी। तो जी दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एक दफ़ा दोबारा गुजारिश, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो आपको बार बार मिलती रहेगी और भी मालूमाती वीडियो होंगी जो हम आपको भेजते रहेंगे। तो साथ में घंटे के बटन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन को ऑल के ऊपर क्लिक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। वस्सलाम।